नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी भारतीय जनता पार्टी को अब हमारे परम श्रद्धेय भगवान श्री राम का सहारा है? क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं उसके चलते भाजपा अब श्री राम का सहारा ले रही है राजनीति करने के लिए? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। सबसे बड़ा सवाल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर को लेके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें करोड़ों की रिश्वत की बात की जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि वो वीडियो सही है या गलत है, मगर क्या उस वीडियो की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी उस वीडियो की जांच करने से क्यों कतरा रही है? आखिर कांग्रेस के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? सबसे शॉकिंग, मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर चुनावी कैंपेनिंग के लिए आते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। क्यों भाई? आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र तोमर इन सवालों से बच रहे हैं? सुनिए नरेंद्र तोमर ने क्या कहा। राजनीतिक घोटाला आ चुका है, नरेंद्र सिंह जी से बात कर रहे हैं। नरेंद्र जी, आपके बेटे के दो वीडियो वायरल हो गए, आप सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया है। सर, राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। नरेंद्र तोमर ने एक लाइन का बयान दिया है इस मुद्दे पर, कायदे से इस मुद्दे पर उन्हें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। सवाल बहुत गंभीर हैं जो सामने उभर कर आए हैं, मगर वो जवाब क्या दे रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज सोशल मीडिया पर एक कूट रचित वीडियो मेरे बेटे से संबंधित वायरल किया जा रहा है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जो चुनाव के समय विपक्ष के द्वारा जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। नरेंद्र तोमर आगे कहते हैं, पूर्व में इस तरह के झूठे वीडियो से संबंध में मेरे पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने पुलिस जांच हेतु आवेदन भी किया था। मैं आज पुनः इस वीडियो की CFSL जांच हेतु एजेंसियों से मांग करता हूं ताकि सत्य बाहर आ सके और षड्यंत्र उजागर हो सके। अब तक तीन वीडियो सामने उभर कर आ गए हैं दोस्तों। ये वो वीडियो हैं जिसमें उनके बेटे कथित तौर पर करोड़ों की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बात की जा रही है करोड़ों के आदान प्रदान की, कथित तौर पर। इस वीडियो में कृष्णा मेनन मार्ग की बात की जा रही है जहां पर नरेंद्र तोमर रहते हैं। इस वीडियो में भाभी जी की बात की जा रही है। अब वो भाभी जी कौन है, देवेंद्र तोमर की पत्नी है, नरेंद्र तोमर की पत्नी, हम नहीं जानते, मगर कम से कम इसकी जांच तो होनी चाहिए। सवालों से क्यों बच रहे हैं नरेंद्र तोमर? आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता रहे हैं, उनके बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर श्री राम का सहारा ले रही है। उसकी चर्चा आगे करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कहा मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये तीसरा वीडियो सामने उभर कर आया है उस व्यक्ति का जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या कह रही है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के करोड़ों का लेन देन करते वायरल वीडियो मामले में नया खुलासा हुआ है। वीडियो कॉल पर मंत्री पुत्र से बात कर रहे शख्स ने नया वीडियो जारी करके बातचीत की पूरी पुष्टि की है। यह पूरा मामला 100 या 500 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदेश में गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन भी खरीदी है। पूर्व में वायरल दोनों वीडियो बिल्कुल सही हैं। इस वीडियो से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो वीडियो, ये तीसरा वीडियो सामने उभर कर आया है उस शख्स का जिसने स्टिंग किया है, उस पर कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने करारा हमला बोला है। किसी शुभम सोनी के वीडियो को लेकर भूपेश बघेल जी पर जो दिनभर टीवी डिबेट करवा रहे थे, आज नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार पर इतने बड़े खुलासे पर भी
उनकी ये मासूम चुप्पी, उफ। आप जानते हैं सबसे शॉकिंग है इस मुद्दे पर गोदी मीडिया की खामोशी, और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग यह भी है कि गोदी मीडिया को लगता है कि इस खबर को ना दिखाने से यह जनता के बीच नहीं पहुंचेगी। गोदी मीडिया की विश्वसनीयता इस कदर खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है कि आप उस वीडियो को नहीं भी दिखा रहे हैं तब भी यह खबर जनता तक पहुंच रही है। कांग्रेस इस पर करारा हमला बोल रही है। सुप्रिया सुनेत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो दिखाया था जिसमें वो करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की बात कर रहा था। हालांकि वीडियो की बिना जांच कराए भाजपा ने इसे फेक बता दिया। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है तोमर परिवार गांजे की खेती में पैसा लगाना चाहते थे, ये डीलिंग उसी बात की है। सुप्रिया श्रीनेत आगे कहती हैं, देवेंद्र सिंह तोमर के मामले में खुलासा होने के बाद अब किस बात का इंतजार है? सवाल पूछ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, जिसका जवाब नहीं है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास। सुनिए वो क्या कह रही हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि अब किस बात का इंतजार है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे बढ़कर ये भी कह रहा है, जो उसके आगे का चर्चा हुई थी, जो रिटायर्ड आरबीआई का ऑफिसर था वो पार्टी लेकर आते थे, इनका कहना है जो मोनाडो नाम की कंपनी के थ्रू पैसा हो रहा था वो कोहली को भी जानते हैं, वो प्रूफ भी देने को तैयार है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, सर्वप्रथम तो ये बात है कि एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो किसी दबाव में नहीं, मुझे लगता है बड़े स्वच्छंद रूप से ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, और ये 100-500 करोड़ का नहीं, ये 10,000 करोड़ का मामला है। 10,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं अभी गिनते रह जाइएगा, ये 10,000 करोड़ का मामला है। पेस्टिसाइड पर, बीज पर, हर चीज पर कमीशन लिया गया, और साफ तौर से ये भी कह रहा है कि ये पैसा कैश में दिया जाता था, और गुरुद्वारे जैसी इतनी पाक, इतनी पावन संस्था को भी इन लोगों ने दूषित करने का काम किया, उनका भी दुरुपयोग किया गया। आगे वो ये कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू वायर ट्रांसफर हो रहा है, उसका भी प्रूफ है, आईसीआईसीआई बैंक के सारे प्रूफ एजेंसी को मिल जाएंगे अगर एजेंसी करना चाहेगी। फिर वो कहते हैं कि जो पार्सल का जिक्र हो रहा था, और ये दूसरी बड़ी चिंता का विषय, 3 कृष्णमेनन मार्ग पर अगर आपको याद हो एक पार्सल आना था, प्रूफ चाहिए था, वो पार्सल तोमर जी की बहू श्रीमती हर्षिणी जी के लिए आया था, और उसमें मेकअप के सामान के साथ भांग और गांजा भी तथाकथित तौर पर भेजा गया था। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, उसको भी हरकत में आ जाना चाहिए था। उसके बाद इनका कहना है कि बेनामी संपत्ति, बेनामी एजेंसी के थ्रू 100 एकड़ की लैंड न्यू ब्रंसविक कनाडा में खरीदी गई। इस व्यक्ति ने अपना पता दे दिया है, 35826 साउथ पैरेलल रोड, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का हिस्सा है वहां का है, इसने अपना नंबर दिया है। साथ ही में इसने बोला है कि 100 एकड़ की जमीन बेनामी संपत्ति नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार की कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में खरीदी गई है। तो एक तरफ इन तमाम सवालों से भाजपा घिरती नजर आ रही है। मैं आपको प्रधानमंत्री का एक बहुत पुराना वीडियो दिखाना चाहूंगा दोस्तों, 2014 से पहले का। उन्होंने कहा था कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, चाहे वो आरोप भाजपा पर हो, एनडीए पर हो, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। मगर आज क्या हो रहा है दोस्तों, जिन तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो या तो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, या फिर नरेंद्र तोमर, उन पर तो उनकी चुप्पी भी नहीं टूटती। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने आज नहीं, आज से कई सालों पहले, 2014 से पहले क्या कहा था, सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात। 16 मई को बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी, नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना जवाब में, मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा, जरा किस चीज पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो, उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ, और जो सच्चे गुनेगार हैं उनको जेल में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को, ये हो सकता है भाइयों, बताइए हो सकता है नहीं हो सकता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और एक बार वो गुनेगार सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा, और कोई गुनेगार अब चुनाव में मैदान में उठने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन कहता है सफाई नहीं हो सकती है, मुझे ये सफाई करनी है, और मैं राजनीति में सफाई करने के लिए आया हूं भैया। जो लोग खुद अपराधियों के सहारे राजनीति करते हैं, ये इनके बस का रोग नहीं है, वो नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं। आज देश प्रधानमंत्री के इस पुराने बयान को लेकर उनसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कम से कम नरेंद्र तोमर का जो वीडियो है या उनके बेटे का जो वीडियो है उसकी जांच तो कराई जाए।
वो तक नहीं कराई जा रही, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्रीराम का सहारा ले रही, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर, 70 वर्षों से कांग्रेस राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने 2019 में दोबारा से भाजपा की सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया और आज राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप जानते हैं अमित शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को दोबारा चुनती है तो उन्हें मुफ्त में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इस पर उद्धव सेना ने पलटवार किया है। आपकी स्क्रीन पर यह है संजय राउत। संजय राउत क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, मैंने सुना है अमित शाह का बयान और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी कैंपेनिंग में कह रही है कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार दोबारा चुनकर आई तो मध्य प्रदेश की जनता को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे और वो भी मुफ्त। रामलला पूरे देश के हैं, संजय राउत आगे कहते हैं, रामलला पूरे देश के हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मध्य प्रदेश में हार गए तो आप मध्य प्रदेश की जनता को दर्शन करने से रोकेंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है? तो एक तरफ श्रीराम का सहारा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने लिए सहानुभूति अर्जित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यह बात अलग है कि उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में एक भ्रामक जानकारी भी फैलाई कि राहुल गांधी ने कहा था कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलता है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था मगर वो हवाला दे रहे थे खुद गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला। यानी कि प्रधानमंत्री भ्रामक जानकारी भी फैला रहे हैं, शब्दों की मर्यादा भी भूल रहे हैं। एक तरफ तो ये सब चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये बयान दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 2014 में आपने मुझे देश की सेवा करने के लिए दिल्ली भेजा था, उसके बाद साल दर साल दिनों दिन कांग्रेस की नफरत मोदी के लिए बढ़ती जा रही है। पहले जो दो गाली देते थे आज वो मोदी को गालियां दे रहे हैं। ये गालियां और नफरत मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए झेल रहा हूं। प्रधानमंत्री आपकी जो आलोचना करता है ना उस पर ईडी की रेड पड़ती है, उसके घर असम पुलिस पहुंच जाती है, उसे टारगेट किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है सिर्फ आलोचना के लिए, सिर्फ सवाल करने के लिए। और आज आप इस तरह से सहानुभूति फैक्टर, सिंपथी फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था तब क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया था? यह सवाल तो होना चाहिए ना। चुनाव आयोग इस तरह से एकतरफा कार्रवाई क्यों करती है? प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी को तो आपने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया ये कहते हुए कि उनके बयान से प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई है, मगर प्रधानमंत्री आए दिन जो सभाओं में भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, ये राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, क्या चुनाव आयोग को इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यह एक तरफा कार्रवाई क्यों? श्री राम का सहारा क्यों, वो भी राजनीति के लिए? और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र तोमर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाजपा खुल के सामने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही? मध्य प्रदेश में क्यों बच रही है इन मुद्दों से? ये तो सवाल किए जाने चाहिए ना। नरेंद्र तोमर भी आते हैं, सवालों से बच के चले जाते हैं और दो लाइन का बयान देकर चले जाते हैं। अरे भाई, CFSL की जांच तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही इसकी जांच बताइए? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वीडियोस आ गए मगर प्रधानमंत्री की खामोशी बनी हुई है। श्रीराम का सहारा लिया जा रहा है और सिंपथी फैक्टर पर खेला जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आपसे प्रदेश की जनता ही नहीं देश की जनता सवाल कर रही है, जरूर जवाब दीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।